Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. मैं श्रेष्ठ यादव असिस्टेंट प्रोफेसर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में वर्तमान में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ और आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ <coughs> इस लेक्चर में हम लोग प्रायोगिक विधि के मूल सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने मनोविज्ञान में विज्ञान की भूमिका विज्ञान में प्रायोगिक विज्ञान की भूमिका प्रायोगिक विधि की भूमिका के बारे में डिस्कशन किया है आज हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए प्रायोगिक विधि के मूल सिद्धांतों के बारे में अपनी बात आगे रखते हैं प्रायोगिक विधि के बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले हम लोग अनुसंधान अथवा रिसर्च के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं रिसर्च या शोध या अनुसंधान इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है ऐसे तो किसी भी रिसर्च को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उद्देश्य होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन रिसर्च का एक जो मुख्य उद्देश्य है जिसे हम कह सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना। कोई भी रिसर्च किसी भी प्रकार की रिसर्च एक निश्चित रूप से शुरू होती है तो रिसर्च प्रॉब्लम के साथ तो रिसर्च प्रॉब्लम का एंड रिसर्च प्रॉब्लम का मेन उद्देश्य है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए उसका आंसर प्राप्त करना लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और बहुत सारी अन्य मैथडोलॉजिकल इश्यूज के बारे में हमें ध्यान रखना होता है जिसमें एक है यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव एंड मेथड्स टू कलेक्ट डेटा जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान पिछले लेक्चर्स में भी बोला है कि जो साइंटिफिक मेथड है वो बेस्ड होता है डेटा पर तो उसी प्रकार से जो रिसर्च है उसके लिए बहुत उद्देश्यपूर्ण डेटा कलेक्ट करना और जो हमारा डेटा है वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट करना और डेटा इस प्रकार का हो कि वो जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम है उसका आंसर ढूंढने में हमारी मदद कर सके इसके लिए ज़रूरी है पहले एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे से डेटा कलेक्ट करना अर्थात इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथडोलॉजी को अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करना उसके बाद अप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस एक बार जब हमारे पास हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड एक डेटा सेट प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद ज़रूरी है कि हम एक अप्रोप्रिएट इस्टेटिकल मैथड से उस डेटा को एनालाइज करें डेटा एनालिसिस से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि जो हमारा डेटा है वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ट्रांसफॉर्म होता है और वो जो डेटा है वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने में हमें मदद करता है तो एक अप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस बहुत ही आवश्यक है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर को ढूंढने के लिए उसके बाद एक और चीज़ ज़रूरी है हमारी रिसर्च में कि जो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं वो कैसी हो, वो हमारी फाइंडिंग्स हमारी पॉपुलेशन और हमारे सोसाइटी के रियल फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करें अर्थात इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमने एक रिसर्च शुरू की फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये रिसर्च करना चाहते हैं कि मोबाइल के इस्तेमाल का लोगों के अध्ययन पर या अध्ययन करने के तरीके पर या मेमोरी पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारी रिसर्च की फाइंडिंग से हमें यह ज्ञात हुआ कि जितना ज़्यादा आप रिसर्च का सॉरी जितना ज़्यादा आप मोबाइल का उपयोग करते हैं उतना ही आपकी मेमोरी शार्प होती है ये रिसर्च की फाइंडिंग अगर हमारे रियल जो सोशल कंस्ट्रक्ट हैं जो सोसाइटी में रियल फैक्ट्स हैं उनको अगर रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है मिरर करता है मतलब जैसा सोसाइटी में फैक्ट्स हैं जैसा सोसाइटी में हो रहा है जैसा सोसाइटी में स्थिति स्थिति है वैसी ही फाइंडिंग्स हमारी रिसर्च की हो तो अगर हमारी रिसर्च की फ़ाइंडिंग्स रिप्रेजेंट करें मिरर करें या बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसा कि सोसाइटी में उस वेरिएबल उस रिसर्च प्रॉब्लम के विषय में रियलिटी है तो हम मानते हैं कि हमारी रिसर्च एक अप्रोप्रिएट रिसर्च है और एक फ्रूटफुल रिसर्च है रिसर्च करने के बहुत सारे माध्यम हैं बहुत सारी विधियां हैं जिसमें हम प्रायोगिक विधि के बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो अब हम शुरू करते हैं कि प्रयोग या प्रायोगिक विधि किसे कहते हैं तो प्रयोगात्मक विधि प्रयोग किसी भी प्रयोगात्मक विधि या प्रयोग के चार मुख्य अवयव होते हैं चार मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम हिंदी में स्वतंत्र चर कहते हैं दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम हिंदी में आश्रित चर कहते हैं तीसरा है एक्सटर्नियस वेरिएबल जिसे हम हिंदी में बाह्य या बही रंग चर कहते हैं और चौथा है कंट्रोल कंडीशन ये वो चार एलिमेंट हैं या वो चार अवयव हैं जो हमारे प्रयोगात्मक विधि को सही मायने में प्रयोगात्मक विधि बनाते हैं अगर हम इन चारों में से किसी भी एक एलिमेंट को प्रयोगात्मक विधि के सिस्टमैटिक या जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज या उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारी प्रयोगात्मक विधि में कुछ कमी रह जाती है तो अब हम एक एक करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है कंट्रोल कंडीशन हम किसे कहते हैं और किस प्रकार ये चारों मिलकर हमारी विधि को प्रयोगात्मक विधि के रूप में परिवर्तित करते हैं तो बहुत सामान्य शब्दों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन क्रिएट करता है अर्थात मैनिपुलेशन या जोड़ तोड़ करता है उसके लेवल्स को घटाकर बढ़ाकर देखता है उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन करके देखता है तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल के प्लान पर निर्धारित होता है दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि डिपेंड करता है डिपेंड किस पे करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रयोगकर्ता द्वारा क्रमबद्ध तरीके से जो मैनिपुलेशन इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं उसका प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं हम इन चारों को अभी डिटेल में फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे तीसरा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल का अर्थ है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अतिरिक्त भी बहुत सारे वेरिएबल प्रभावित करते हैं तो वो सभी वेरिएबल जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करने की क्षमता तो रखते हैं लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह प्रयोग नहीं किया गया है तो वो सारे वेरिएबलों को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंट्रोल कंडीशन अधिकतर प्रयोग एक लैब की सेटिंग में किए जाते हैं तो कंट्रोल कंडीशन का अर्थ है कि जो बाकी के एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो बाकी की बाह्य अवस्थाएं हैं वो कंट्रोल में हैं जैसे अगर हमें एक रिसर्च बाहर किसी सोशल सेटिंग में करनी है या रोड पे करनी है या किसी मेले में करनी है तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल से बियॉन्ड होंगी क्योंकि वहाँ एक्सपेरिमेंटल सभी अवस्थाओं पे पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाएगा हो सकता है कि कुछ माध्यमों से वो वहाँ की कुछ अवस्थाओं पे कुछ हद तक कंट्रोल कर सके लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्सपेरिमेंटल के एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल से बाहर होंगी तो प्रयोग में इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि अधिकतर अवस्थाओं पर प्रयोग कर्ता का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर किए जाने वाले मैनिपुलेशन का सीधा प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सकें अब हम एक एक करके इन चारों एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में तो जैसा कि अभी हमने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटर प्रयोग करता अपनी मैनिपुलेशंस को इम्प्लीमेंट करता है तो जिस प्रकार अगर आपको याद होगा कि हमने लेक्चर वन में कहा था कि साइंस की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेज्म एंड डिस्कवरेबिलिटी तो उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया गया था कि साइंस ये मानता है कि कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके पीछे कुछ कारक अपना एक रोल प्ले करते हैं ये भी प्रयोग एक वैज्ञानिक विधि है तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं कारक का अर्थात जो परिणाम है वो जो परिणाम है वो किसके कारण से हो रहा है इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में किए जाने वाले मैनिपुलेशन से तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या रोल हुआ कारक का कारक का अर्थ है कारण ये कॉज बनते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अगर हम एक सीधी भाषा में कहें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होंगे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले परिवर्तन के लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही वेरिएबल सीधा एक कारण बनते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सपेरिमेंटर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के अनुसार एक क्रमबद्ध तरीके से प्लैंड वे में मैनिपुलेशन इम्प्लीमेंट करता है जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक प्लैंट मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ और ये जो जोड़ तोड़ है ये किससे निर्धारित होता है रिसर्च की प्रॉब्लम से कि हम किस रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसमें क्या रोल है उसके बाद इसका नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि इसका प्रभाव हम किस पर देखते हैं चर पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मीनिंग और उसकी प्रकृति को समझने की प्रयास करते हैं हमारा रिसर्च का एक प्रॉब्लम है इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन एग्रेसिव बिहेवियर तो हम जानना क्या चाहते हैं इस प्रयोग में कि नॉइस का हम व्यक्ति के या व्यक्तियों के एग्रेसिव बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा नॉइस क्योंकि हम यहाँ क्या देखना चाहते हैं कारक कौन है हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो नॉइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो कॉज बन रहा है किसका एग्रेसिव बिहेवियर का यहां अब हमें यह जानना है कि नॉइस को हम किस प्रकार से सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट करें कि इस मैनिपुलेशन का हम एग्रेसिव बिहेवियर पर प्रभाव देख सकें तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास नॉइस है तो हम नॉइस को तीन भागों में या तीन चरणों में तीन स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं तो हम मानते हमने क्या किया कि नॉइस को के तीन लेवल की नॉइस वन टू थ्री मिनिमम नॉइस मॉडरेट नॉइस और हाई नॉइस अब हमने इन तीन कंडीशंस में अपने पार्टिसिपेंट को रखा और इन तीनों कंडीशंस में हमने अपने पार्टिसिपेंट के एग्रेसिव बिहेवियर को मेजर किया तो यह हमने देखिए प्रयोग के माध्यम से नॉइस के प्रभाव को एग्रेशन पर एनालिसिस करने का या उसका कारण जानने का प्रयास किया नॉइस लेवल वन नॉइस लेवल टू नॉइस लेवल थ्री तो ये क्या हुए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि हमने इसमें एक सिस्टेमेटिक तरीके से मैनिपुलेशन किया एग्रेसिव बिहेवियर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है मापन मापन और वो भी किस तरीके से प्रिसाइज फॉर्म में हालांकि विज्ञान में मापन की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आप मापन करें तो प्रिसाइज हो लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल में क्योंकि इसका योग डिपेंडेंट वेरिएबल का कार्य ही ये है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है हमें उसे मापना है इसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह मैनिपुलेशन नहीं करना है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो मापन हो वो बिल्कुल प्रिसाइज हो ताकि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम थोड़ा भी मैनिपुलेशन करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम प्रिसाइजली उसके प्रभाव को माप सकें और ये कह सकें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इस तरीके से मैनिपुलेशन करने पर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में इस तरह का प्रभाव पड़ता है अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत प्रिसाइजली अगर मेज़र नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो हम सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव तो पड़ रहा हो लेकिन चूँकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत प्रिसाइजली मेज़र नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो प्रभाव हमारी रिसर्च में जो फाइंडिंग्स हमारी रिसर्च में आनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस प्रकार से डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहा है वो हम फाइंडिंग्स को अपने रिसर्च में प्राप्त ना कर सकें अब डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस आते हैं हम ये अज्यूम करते हैं या ये मान के चलते हैं कि इन परिवर्तन का सिर्फ एक ही कारण है वो है स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ तभी हम एक कॉज एंड इफ़ेक्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर कर सकते हैं अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन के अलावा खुद ही कुछ अगर ऐसी प्रकृति है उसकी ऐसी नेचर है कि वो खुद ही चेंज हो रहा है बार बार चेंज हो जाता है चाहे उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम किसी तरह का मैनिपुलेशन करें या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन ना करें दैट मीन्स दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ फ्री फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन से फ्री हैं ये कंडीशन हमारे प्रयोग में लिमिटेशन क्रिएट करती है अगर इस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होंगे तो ये प्रयोग हमारा सफल प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इस प्रयोग से जो हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी उसमें हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो परिवर्तन हुए हैं उनका कारण इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किया गया मैनिपुलेशन ही है उसके इसका अर्थ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में हम सिर्फ उसी प्रकार के चेंजेस चाहते हैं वो जो किसी भी जो हर तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन पर ही आधारित हो इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल अब हम एक कोई भी एक परिस्थिति लेते हैं उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमारा उद्देश्य है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन किए जाने का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव लेकिन आप अपने आसपास किसी भी सामान्य सोशल सेटिंग में देखिए तो आप पाएंगे कि जो कोई भी कोई भी परिणाम या कोई भी चीज़ जो हो रही है उसका कोई एक या दो तीन या चार कारक नहीं होते हैं उसके बहुत सारे कारक होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि ये परिवर्तन होगा या ये परिवर्तन नहीं होगा इस तरह के परिणाम आएंगे या इस तरह के परिणाम नहीं आएंगे जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस अब इसी एकेडमिक परफॉर्मेंस से हम एक बार फिर से डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लियर करते हैं देखिए अभी हमने बोला एकेडमिक परफॉर्मेंस और हम क्या कहना चाहते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह का रोल प्ले करे डिपेंडेंट वेरिएबल का लेकिन जब हम एकेडमिक परफॉर्मेंस कहते हैं तो एकेडमिक परफॉर्मेंस को मापना किस तरीके से जाएगा ये बहुत क्लियर नहीं है एम्बिगस है जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या हो सकती है पॉसिबल है कि क्लास में रेगुलर आना क्लास के किसी मैथ 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 अगर हमारा सब्जेक्ट है तो मैथ में कितने मार्क्स आते हैं मैं असाइनमेंट टाइम से पूरा करता हूं या नहीं करता हूं जो मुझे प्रैक्टिकल का टास्क दिया गया है वो मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस है और इस तरीके से एकेडमिक परफॉर्मेंस के कई आयाम हो सकते हैं तो जब आप अपने प्रयोग में डिपेंडेंट वेरिएबल को डिसाइड करें डिफाइन करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको किस तरीके से ऑप्शनलाइज कर रहे हैं ताकि ये क्लैरिटी हो सके कि हम ऐसे किस प्रकार से इसका प्रिसाइजली मापन कर सकते हैं तो हम ये मानते हैं कि अकेडमिक परफॉर्मेंस का यहाँ अर्थ है आपके लास्ट सेमिस्टर में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं यही मेरा क्राइटेरिया है किस चीज़ का एकेडमिक परफॉर्मेंस का अब दोबारा से हम आते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे। यहाँ हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल किस प्रकार से हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है हमने माना कि स्टडी आर्स स्टडी आर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है या डायरेक्ट इफ़ेक्ट है हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस किसी भी तरह से वैक्यूम में क्रिएट नहीं होती है हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टडी आर्स के अलावा और बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं जैसे इंटेलिजेंस आईक्यू इंटरेस्ट पर्सनैलिटी या फैमिली एडजस्टमेंट ये भी वो कारक हैं या क्लास एडजस्टमेंट क्लास में एडजस्टमेंट क्लास में जो आपके पीयर्स हैं उनके साथ उन आपके रिलेशनशिप इंटरपर्सन रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ये भी वो कारक है जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं तो हमारा प्रयोग में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये जितने भी एक्सट्रेनिस वेरिएबल्स की पॉसिबिलिटी है हम किसी भी तरीके से इन एक्सट्रेनिस वेरिएबल के प्रभाव को कम करें जितना ज़्यादा हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल का प्रभाव कम होगा उतने ही प्रिसाइजली और एक्यूरेटली हम ये कह पाएंगे कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है यही बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं इसके प्रभाव को कम किया जाता है क्यों क्योंकि हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है देखिए जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं लेकिन कब हो सकता है जो हमारी नेक्स्ट स्टडी है उसमें हमारा स्टडी आर्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है हमारी इंटेलिजेंस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस कंडीशन में हो सकता है स्टडी आर्स जो रोल प्ले करें उसे हम कहें एक्सट्रेनियस वेरिएबल और आई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कोई वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल का रोल प्ले करेगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल प्ले करेगा यह इस बात पे डिपेंड करता है कि रिसर्च की प्रॉब्लम किस तरीके से स्टेट की गई है या रिसर्च की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है अब हम आगे बात करते हैं प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं इस प्रेजेंटेशन से तो देखिए हमने अब तक क्या डिस्कशन किया है रिसर्च प्रयोग के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सचेंड इज और प्रयोग का आउटकम क्या होता है कारण परिणाम संबंधों की व्याख्या अर्थात कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो स्वतंत्र चर अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस पूरे आ, प्रयोग की प्रक्रिया को समझते हैं तो हमने पिछली स्लाइड का एक एग्जांपल लेते हैं इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम मोबाइल पर ऑन द क्लास परफॉर्मेंस अगेन यहां पे हम क्लास परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स अब देखते हैं हमने यहां पे कहा था स्क्रीन टाइम का प्रभाव हमें किस पर देखना है अकेडमिक क्लास परफॉर्मेंस पर क्लास परफॉर्मेंस को हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो स्वतंत्र यहां पर क्या हुआ स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम अब प्रयोगकर्ता का क्या कार्य है कि स्क्रीन टाइम जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे योजनाबद्ध तरीके से उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करें तो हम इंप्लीमेंट करते हैं हमने स्क्रीन टाइम को कुछ लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वन आर टू आर थ्री आर और फोर आर के हम एक घंटे स्क्रीन आ, स्क्रीन टाइम है हमारे मोबाइल पे दो घंटे है तीन घंटे है या चार घंटे है उसके बाद हमें इसका प्रभाव किस पे देखना है डिपेंडेंट है हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मापन किस प्रकार से कर रहे हैं तो हमने डिसाइड किया है कि जो हमारा क्लास परफॉर्मेंस है हम उसे परसेंटेज इज मार्क्स परसेंटेज इन मार्क्स के फॉर्म में ही मेज़र करेंगे अब इस परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी कुछ वेरिएबल प्रभावित कर रहे हैं जैसे हम ये मान सकते हैं कि इंटरेस्ट uh, इंटरेस्ट किस पर हमारे सब्जेक्ट में हमारी पर्सनैलिटी या हमारा इंटेलिजेंस आईक्यू या हमारे फैमिली रिलेशनशिप या हमारा जेंडर भी प्रभावित कर रहा है किस रिलेशनशिप को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को तो यहाँ पे हमारा क्या उद्देश्य है कि हम इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करें ताकि ये जो रिलेशनशिप है, है ये जो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये प्रिसाइजली और एक्यूरेटली इस्टेब्लिश हो सके और इसके साथ साथ प्रयोग में क्या और जरूरी है नियंत्रित अवस्थाएं ये नियंत्रित अवस्थाएं क्यों ज़रूरी हैं पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो मैनिपुलेशन है ये कंट्रोल कंडीशन में ही पॉसिबल है क्योंकि अगर आपने ये प्लान किया है कि एक घंटा दो घंटा तीन घंटा या चार घंटा स्क्रीन टाइम हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स हैं तो ज़रूरी होगा कि कंट्रोल कंडीशन में वो व्यक्ति एक ही घंटा देखे अपना स्क्रीन टाइम हो उसका दो घंटा हो तीन घंटा हो और चार घंटा हो ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति दो घंटे देख रहा है कभी कभी तीन घंटे देख रहा है कभी एक घंटे देख रहा है तो ये कंट्रोल कंडीशंस में हमें प्लान करना होता है उसी के तत्पश्चात हम ये कह पाते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इस प्रकार का प्रभाव होता है तो आई होप अब हम लोग प्रयोग की जो बेसिक प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी एकत्र एक कर चुके हैं अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रयोग क्यों एक आ, इम्पॉर्टेंट या आप कहीं सुपीरियर मेथड माना जाता है तो आप देखेंगे जब हमने प्रयोग के बारे में डिस्कशन किया उसका नेचर बताया उसका अर्थ बताया तो उसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया था कंट्रोल कंट्रोल से क्या बेनिफिट होता है कंट्रोल से यही बेनिफिट होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं जिस अवस्था के बारे में हम जानना चाहते हैं जिस प्रभाव के बारे में जिस रिलेशनशिप के बारे में हम जानना चाहते हैं कंट्रोल कंडीशन में हम बस उसी प्रभाव उसी रिलेशनशिप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर कंट्रोल कंडीशन नहीं होगी तो जिस बारे में हम जानना चाहते हैं उसके अतिरिक्त भी हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी और उसफॉर्मेशन से रियल इन्फॉर्मेशन को निकालना अपने आप में डिफ़िकल्ट होगा जैसे अगर हम कोई फील्ड में या कहीं सोसाइटी में या किसी मेले में अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे आईवी का ही हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव पड़ रहा है या कोई और भी कंडीशंस हैं जैसे अगर बाहर से कोई आ गया या किसी ने डिस्टर्ब कर दिया या मोबाइल ख़राब हो गया तो बहुत सारी जो कंडीशंस जो हमारे प्रयोग को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं वो कंट्रोल कंडीशन में नहीं होती हैं सेकेंड क्वालिटी क्योंकि हम यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन है ये प्लान्ड है तो जब कोई चीज़ प्लैंड होती है तभी हम कह सकते हैं कि इसी चीज़ का या इसी वेरिएबल का हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव पड़ रहा है जैसे जब हमने स्क्रीन टाइम को इंडिपेंडेंट रखा तब भी हमने उसका प्लान करके उसके आर्स को प्लान किया जब हमने नॉइज़ को इंडिपेंडेंट रखा तब भी हमने नॉइस के लेवल को एक प्लैंड वे में इम्प्लीमेंट uh, मैनिपुलेट किया इस प्लान मैनिपुलेशन से ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉइस या स्क्रीन टाइम का डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव पड़ रहा है मान लीजिए ये प्लान ना हो हम ये प्लान ना करें कि स्क्रीन टाइम हम कितना रखेंगे या नॉइस का लेवल क्या होगा तो जब हमारा डेटा आएगा तो उसके बाद हम ये कंक्लूसिवली नहीं कह पाएंगे कि नॉइस का लेवल अगर हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हैं या स्क्रीन टाइम को हम एक घंटे से दो घंटे करते हैं तो उससे हमारी क्लास परफॉर्मेंस या एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये प्लान मैनिपुलेशन ही डिटरमाइन करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इस तरह के प्रभाव होने से ही डिपेंडेंट वेरिएबल में ये प्रभाव सुन सुनिश्चित हुआ है उसके बाद है प्रिसाइज मेजरमेंट प्रयोग में हम किसी भी तरह का ऐसा डिस्टॉर्टेड मेजरमेंट कभी यूज़ नहीं करते हैं हम पहले इंश्योर करते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसे प्रिसाइजली मेज़र कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की एरर्स की पॉसिबिलिटी कम से कम हो उसके बाद प्रयोग एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो हमें सीधा कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देती है इसके अलावा जो और मेथड्स हैं वो हमें संबंधों के बारे में जानकारी देते हैं हमें इफ़ेक्ट uh, के बारे में जानकारी देते हैं लेकिन डिटर्मिनेंट्स कि इस अवस्था के ये डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे अगर डी वी एकेडमिक परफॉर्मेंस है परसेंटेज तो हम सिर्फ प्रयोग के माध्यम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि लास्ट सेमिस्टर uh, की परसेंटेज मार्क्स के परसेंटेज सिर्फ़ इन्हीं कारणों से निश्चित या सुनिश्चित की जा सकती है उसके बाद जो प्रयोग की फाइंडिंग्स होती हैं वो अनएम्बिगियस होती हैं अनएम्बिगियस मीस वो कन्फ्यूजिंग नहीं होती हैं बाकी कई बार जब हम रिसर्च करते हैं तो कई बार जो हमारे पास डेटा आता है जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं वो बहुत ही एम्बिग्यस होती हैं एम्बिग्यस मतलब जिनका हम स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण ना दे सकें कि जो हमारे पास फाइंडिंग्स आई हैं उनका क्या अर्थ है उनसे हम उनको हम अपने लाइफ में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार से वो हमारे रिसर्च की प्रॉब्लम्स के लिए एक सोल्यूशन दे सकती है उसके बाद प्रयोग की एक सबसे महत्वपूर्ण Explanation that it has no possibility or less possibility for the alternative explanation. अब इसको वापस हम उस एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें हमने नॉइज का प्रभाव एग्रेशन पे कॉज एंड इफेक्ट प्रयोग के थ्रू जानने की की प्लानिंग की थी अब हम यहाँ पर दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को एक बार प्रयोग की विधि से जानने का प्रयास करते हैं कंट्रोल कंडीशन में एक बार अनकंट्रोल्ड कंडीशन में तो हमने प्रयोग में नॉइज़ के तीन लेवल रखे कंट्रोल कंडीशन condition, बाकी कंडीशंस को मैक्सिमम तरीके से स्टैटिक कंट्रोल करने की कोशिश की एग्रेशन को मेजर किया तो चूंकि हमने बाकी कंडीशंस को कंट्रोल किया है इसीलिए जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी जो हम इंफ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं वो किसी भी तरीके से उसका अल्टरनेटिव नहीं होगा अब हम इसे एक अनकंट्रोल्ड कंडीशन में बनाते हैं और यहां पर ये यह ये ये जो हैं कंट्रोल नहीं है है अनकंट्रोल्ड कोई नियंत्रण नहीं है इन पर मेरा उसके बाद जब मैं इस प्रयोग को करता हूं तो चूंकि ये कंडीशन कंट्रोल नहीं है तो जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे नॉइज बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्तियों के एग्रेसिव बिहेवियर में हमने बढ़ोतरी देखी लेकिन इसका अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन क्या हो सकता है कि आपने नॉइस के साथ साथ क्योंकि ह्यूमिडिटी को टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया था तो क्या अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि नॉइस के अलावा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी या और भी जो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल थे वो कारण है एग्रेसिव बिहेवियर के ना ही कि नॉइस तो प्रयोग क्या करता है इस प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करता है क्यों क्योंकि उसने कंट्रोल कंडीशन में कार्य किया है तो हमने चूंकि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर या बाकी एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल किया है तो अब कोई ये इस तरह का हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि नॉइस का प्रभाव नहीं है टेम्परेचर Temp का है या ह्यूमिडिटी का है या किसी और एक्सट्रेनियस वेरिएबल का है तो इस प्रकार हम प्रयोग को एक सर्वोत्तम विधि या एक बहुत अच्छी विधि के रूप में जानते हैं अब प्रयोग के बारे में जानने के बाद अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि, कि किसी भी प्रयोग को करने में क्योंकि अभी हमने कहा प्रयोग एक प्रक्रिया है तो जब कोई प्रक्रिया है तो डेफिनेटली उसमें कुछ स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे जब एक स्टेप पूरा होगा तो हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे और वो पूरी प्रक्रिया उन स्टेप्स की फंक्शनिंग के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे तो प्रयोग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं अब हम एक एक करके प्रयोग के सभी स्टेप्स को चरणों को डिस्कस करेंगे इनमें से कुछ चरण हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ के बारे में हम इन शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में यहीं पर आ, व्याख्या करते रहेंगे तो किसी भी रिसर्च के लिए सबसे इनिशियल फेज़ होता है रिसर्च प्रॉब्लम देखिए कहा जाता है कि रिसर्च एक जर्नी है और रिसर्च की जो जर्नी है वो शुरू होती है किसी भी प्रकार की समस्या से सिंपल सा है जब तक को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए एक्टिवेट नहीं होते तो रिसर्च भी हम कब करने की कोशिश करते हैं जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन किस तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं रिसर्च के माध्यम से जैसे अगर अभी मैं ये मानूं कि आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है कि वो मोबाइल के बिना रह नहीं पाते हैं कुछ देर के लिए अगर उनसे मोबाइल ले लिया जाए तो उनका बिहेवियर डिस्टॉर्टेड हो जाता है या वो डिफ़रेंट तरह के बिहेवियर करने लगते हैं तो अगर मुझे लगता है कि मोबाइल का यूज़ बच्चों के डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है माना मेरे मेरी ये एजम्शन है और ये भी अजम्पशन है कि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से बच्चों के सोशल एडजस्टमेंट ख़राब हो रहे हैं तो अब मेरे पास क्या रिसर्च प्रॉब्लम हुई यूज़ ऑफ मोबाइल एंड द सोशल एडजस्टमेंट अब इन दोनों इस समस्या को सुधार जानने के लिए कि क्या वाकई में ही मोबाइल का यूज़ हमारे सोशल एडजस्टमेंट को प्रभावित कर रहा है अगर प्रभावित कर रहा है तो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है अब हमारे लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम है अब हम इस रिसर्च प्रॉब्लम को प्रयोग के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो रिसर्च प्रॉब्लम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन या रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर का अर्थ है कि हम वो सभी एग्जिस्टिंग रिसर्चेज नॉलेज बुक्स को uh, एक सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं वो जो हमारी शोध की समस्या से रिलेटेड हैं तो जैसे यहाँ पर अभी हमने जो शोध की समस्या थी उसमें दो वेरिएबल इंपॉर्टेंट थे एक था मोबाइल का यूज़ दूसरा था सोशल एडजस्टमेंट तो अब यहाँ पे हमें किस तरह का रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है वो स्टडीज़ पढ़नी होंगी उन स्टडीज़ को उन बुक्स को उन न्यूज़पेपर को उन आर्टिकल्स को पढ़ना होगा जो इन दोनों वेरिएबल से रिलेटेड होंगे या किसी एक वेरिएबल से रिलेटेड होंगे हो सकता है वो रिसर्च पेपर भी मैं पढ़ूँ जो सिर्फ मोबाइल यूज पे फोकस हों और दूसरे पेपर जो सिर्फ सोशल एडजस्टमेंट पर फोकस हो और वो पेपर जो मोबाइल यूज़ और सोशल एडजस्टमेंट दोनों के रिलेशनशिप को फोकस करते हों या उन जिसका फोकस इन दोनों पर हो तो हम वो सारी नॉलेज कलेक्ट करते हैं इस स्टेप में लिटरेचर ऑफ रिव्यू में जो ऑलरेडी हमारे जैसे यहाँ और रिसर्चर्स ने रिसर्च करके उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन किया है या फैक्ट्स के फॉर्म में फाइंडिंग्स के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिसर्च क्वेश्चन रिव्यू ऑफ लिटरेचर और रिसर्च प्रॉब्लम ये दोनों मिलके ये स्टेबलिश करते हैं कि हमारा क्या रिसर्च क्वेश्चन होगा तो रिसर्च क्वेश्चन के लिए जैसे रिसर्च प्रॉब्लम तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो था मोबाइल यूज़ तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करना बच्चों के सोशल एडजस्टमेंट को प्रभावित करता है ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है इस रिसर्च क्वेश्चन को ही मैं रिसर्च के आगे वाले स्टेप्स से आंसर करने की कोशिश करूंगा रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन में लिटरेचर और रिव्यू का क्या भूमिका है लिटरेचर ऑफ रिव्यू हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करने में स्टेट करने में उसे स्ट्रक्चर uh, करने में हमारी हेल्प करती है कि अब से पहले मोबाइल uh, यूज़ और सोशल एडजस्टमेंट पे इस तरह की रिसर्च हो चुकी हैं इस तरह के मेथड से रिसर्चिज़ हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में इस तरीके के आंसर uh, या इन्फ्रेंस मिले हैं तो अब वो इन्फ्रेंस वो नॉलेज मुझे हेल्प करती है मेरे रिसर्च क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस की बेसिक डेफिनेशन है दैट इट इज़ अ टेंटेटिव आंसर ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम अब इसे टेंटेटिव आंसर क्यों कहते हैं क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम के बाद अभी हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया है अभी हमने डेटा एनालिसिस भी नहीं किया इंफ्रेंस भी नहीं किया है लेकिन हम क्या ज्यूम कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा टेंटेटिव आंसर ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम परिकल्पना का और भी इससे विस्तृत रूप से हम आगे के व्याख्यान में डिस्कशन करेंगे उसके बाद आता है प्रतिदर्श या प्रतिचैन सैम्पलिंग और सैंपल सैंपल के बारे में हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि उनका प्रयोग में क्या उप, उनकी विशेष उनका महत्व है क्यों सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपनी फाइंडिंग्स को जर्नलाइज करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह है सैंपलिंग और सैंपल उसके बाद है मेज़रमेंट ऑफ वेरिएबल अभी हमने डिस्कस किया कि मेज़रमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्यों इम्पोर्टेंट है उसका प्रिसाइज होना उसका एक्यूरेट होना चरों का मापन किस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को मेज़र करने वाले हैं यहाँ पर हम ये निश्चित करते हैं जैसे अभी हमने निश्चित किया कि क्लास परफॉर्मेंस को हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स के रूप में ही मेज़र करेंगे उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वो रूपरेखा है जिसके द्वारा हम अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने वाले हैं इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद है प्रोसेस प्रक्रिया इस प्रोसेस का मतलब है कि हम अपने डेटा कलेक्शन के पहले स्टेप से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस हम डेटा कलेक्शन के लिए करेंगे उसे हम बोलते हैं प्रोसेस देन डेटा कलेक्शन का प्रोसेस आइडेंटिफाई होने के बाद हम शुरू करते हैं डेटा कलेक्शन जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उस डेटा का एनालिसिस डेटा एनालिसिस से हमें क्या मिलता है डेटा एनालिसिस से जो हमारे डेटा के अंदर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो हम ड्रॉ करते हैं उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के बाद हमारी जो हाइपोथेसिस है उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो डेटा एनालिसिस हमें